गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर टेकिंग द टॉपिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, आगे हम ये समझेंगे। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द मेथड थ्रू विच सेंडर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टू द रिसीवर। तो देखिए, कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके जरिए जो सेंडर होता है, ट्रांसफर मान होता है सेंड करना, तो सेंडर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है एंड अंडरस्टैंडिंग टू द रिसीवर। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है कि जिससे कि रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करता है वो उसको समझ सके। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। तो जो हमारा सेंडर जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है और जो रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता प्राप्त करता है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप कायम होता है, इसीलिए इसको टू वे प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि सेंडर के जरिए और रिसीवर के दोनों मिलकर ही इस प्रोसेस को एक अंजाम देते हैं या प्रोसेस कंप्लीट होता है। The process starts when the sender or communicator has an idea or message to communicate to another person known as receiver. तो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है किसके साथ शुरू होती है, सेंडर के साथ, जिसे कम्युनिकेटर भी कहते हैं। उसके पास कोई ना कोई एक आइडिया होना चाहिए, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई एक मैसेज संदेश होना चाहिए, जिससे कि वह दूसरे व्यक्ति, कौन सा दूसरा व्यक्ति, जिसे रिसीवर के नाम से जानते हैं, उसको कम्युनिकेट कर सके, उसको मैसेज भेज सके। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज ए पर्पज, इसमें कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस पर्पज से कम्युनिकेट करते हैं। वी कम्युनिकेट बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक समवन डू समथिंग और टेक एक्शंस और थिंक और फील इन अ सर्टेन वे। क्योंकि जब भी कभी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसका मकसद ही हमारा यही होता है, उसका उद्देश्य हमारा यही होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से कुछ ना कुछ चाहते हैं कि वो या तो कोई ना कोई उसके प्रति एक्शन ले या उस बारे में सोच ले या वो महसूस करे, कोई ना कोई उसका एक्शन होना ही चाहिए। नेक्स्ट होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ स्टेप होते हैं। कि पहला स्टेप आता है हमारा, स्टेप आने से पहले हम जान लें कि इसके अंदर दो लोगों का, क्योंकि हमने कहा कम्युनिकेशन से टू प्रोसेस, कम्युनिकेशन ऐसी प्रक्रिया है जो दो तरीके से काम करती है, दो तरीके से मतलब कि जिसमें दो रूप होते हैं, कहना कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में रिलेशनशिप का होना। तो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद सेंडर कैरीज आउट द मैसेज। तो इसमें सबसे बड़ी चीज एक सेंडर का होना जरूरी है जो मैसेज को सेंड करता है, तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी उसी के द्वारा ही आरंभ होता है। रिसीवर, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड्स एट द एंड हैंड ऑफ द रिसीवर। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो अंत होता है, इस प्रक्रिया का जो अंत होता है, वो रिसीवर के द्वारा होता है, जब रिसीवर उस मैसेज को समझ लेता है। तो अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो रिलेशनशिप आता है, लेकिन उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, देखिए पहला स्टेप है डेवलप एन आइडिया। तो हमें एक विचार को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा, विकसित करना होगा। तो डू डेवलप एन आइडिया और मैसेज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया का सबसे पहला जो कदम है वो क्या होता है, मैसेज को डेवलप करना, कि आगे का मैसेज क्या करना है। तो द सेंडर विशेज टू ट्रांसमिट दिस आइडिया, बिफोर ट्रांसमिटिंग द मैसेज ही मस्ट फुली अंडरस्टैंड इट एंड कलेक्ट द फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सो दैट ही मे कम्युनिकेट द राइट मैसेज टू द अदर। तो सेंडर जिस आइडिया को ट्रांसमिट करना चाहता है, जिस आइडिया को सेंड करना चाहता है, उसको सेट करने से वे ही मस्ट फुल्ली, उसको पहले उसको समझना होगा और कलेक्ट द फैक्ट, और जितने भी फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, जो भी हमारे डेटा है, वो सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करनी होगी, सो डैट ही वे, ताकि उस हम उस मैसेज को अच्छी तरीके से क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। यानी किसी भी आइडिया को जब डेवलप करते हैं तो हमें वो कहाँ कहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो सब हमें इकट्ठी करनी होगी, वो हमारा कहलाता है डेवलप एन आइडिया। सेकेंड स्टेप होता है एनकोडिंग। जो हमने आइडिया को डेवलप कर लिया, हमने सोच लिया कि ये करना है, उसके लिए सही शब्दों को कि उसको रूप क्या देता है, वो आपका कहलाता है एनकोडिंग। तो टू एनकोड यानी उस आइडिया को पुट इनटू द सिचुएशन पर, उस आइडिया को सही शब्दों का रूप देना, चार्ट, अगर हम उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उस आइडिया को चार्ट के रूप में पुट
करना चाहते चार्ट के रूप में इंफॉर्मेशन को रखना, या कोई सिंबॉलिक रूप में ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसके रूप में देना, यानी ये हमारा कहलाता है सेकंड स्टेप कि उस आइडिया को किस रूप में हम उस आइडिया को किस प्रकार का रूप देते हैं। थर्ड स्टेप आता है ट्रांसमिट थ्रू एप्रोप्रिएट चैनल और मीडिया, यानी तीसरे स्टेप पे अब हम क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारा तैयार की पहले हमने डेवलप कर लिया, सेकंड नंबर पे हमने किस रूप में उसे भेजना ये हमने कर लिया, अब हम उसको कैसे भेजें उसके लिए एक नए कोई ना है चैनल का हमें यूज़ करना होता है एप्रोप्रिएट चैनल के लिए। तो इट इज़ एन ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब हम पूरी तरीके से आइडिया को मैसेज को डेवलप कर लेते हैं। इट मीन्स टू चूज द राइट मेथड टू सेंड द मैसेज, यानी अब हमें मैसेज को सेंड करने के लिए सही माध्यम का चुनाव करना है। द राइट मेथड मे बी मेमो फोन कॉल और पर्सनल विजिट, हम कोई भी मेथड ले सकते हैं, हो सकता है वो मेमो हो फोन कॉल के जरिए कर सकते हैं या पर्सनल विजिट खुद हम मिलकर भी अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इट मे बी ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये फॉर्मल वे में भी हो सकता है ऑफिशियल भी हो सकता है और इनऑफिशियल इनफॉर्मल वे भी हो सकता है। केयर शुड बी टेकन टू कीप द चैनल फ्री फ्रॉम द बैरियर सो दैट द मैसेज मे रीच टू द रिसीवर विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो केयर है केयर शुड बी टेकन टू कीप द चैनल फ्री, यानी हम जिस भी माध्यम का चुनाव करेंगे सिलेक्ट करेंगे उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी, उसमें कोई बैरियर्स यानी कोई भी रुकावटें नहीं थी, एक ऐसा माध्यम चुने जिससे कि हम आराम से अपने मैसेज को रिसीवर तक सेंड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट होता है फोर्थ पॉइंट हमारा रिसीव द मैसेज, मैसेज को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको प्राप्त करना, तो ये किसके हाथ में होगा रिसीवर के हाथ में होता है। तो टू रिसीव द मैसेज इज द फोर्थ स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इफ द रिसीवर डज नॉट रेस्पॉन्ड द मैसेज इज लॉस्ट। फोर्थ पॉइंट होता है कि हम रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है और अगर रिसीवर ने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो इसका मतलब होता है हमारा मैसेज कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुका है। तो रिसीव द मैसेज इज द फोर्थ स्टेप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसीवर के हाथ पर की तरफ से। अब नेक्स्ट होता है डिकोडिंग, डिकोडिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज, डिकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को अंडरस्टैंड करना, एनकोडिंग में हमने सूटेबल शब्दों में आइडिया को डेवलप किया था रखा था, अब उसी चीज़ को जो हमने सूटेबल शब्दों में जहाँ सेंटर पर रखा था क्या वो रिसीवर उस चीज़ को समझ पाता है, ये डिकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाई विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इस डिकोडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट करता है समझता है एंड ट्रांसलेट इट इनटू मीनिंग और फिर उसको अपने ही भाषा में अपने मीनिंगफुल तरीके से उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर लेता है। जिस तरीके से अगर एक बात करें कि सपोज कीजिए कहीं कोई आप लेटर आपको कोई लेटर भेजता है, आपने लेटर पढ़ा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका कोई फ्रेंड्स पूछता है कि भाई ये बताओ कि लेटर में क्या लिखा है तो आप बता देते कि पत्र में कुछ नहीं बस उन्होंने राजी खुशी भेजी है, ऐसा नहीं लेटर में और भी कुछ हुआ, लेकिन आपने मीनिंगफुल बात के रूप में अपनी तरीके से उसको लेटर को चेंज कर दिया। तो डिकोडिंग का मतलब रिसीवर अपने हिसाब से उस मैसेज को समझ लेता है। द रिसीवर मस्ट फर्स्ट परसीव द मैसेज, तो रिसीवर सबसे पहले मैसेज को देखता है एंड द रिसीवर मस्ट देन इंटरप्रेट अंडरस्टैंड, तब रिसीवर उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है। डिकोडिंग प्रोसेस इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सम फैक्टर्स सच एज द रिसीवर्स नीड स्टेटस पास्ट एक्सपीरियंस सिचुएशनल फैक्टर, तो जो डिकोडिंग प्रोसेस होता है उसमें कुछ चीज़ें पे काफ़ी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि रिसीवर की नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका स्टेटस कैसा है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, यानी हमारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें रिसीवर के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर रिसीवर के स्टेटस नीड वगैरह से जुड़ा था तो हमें रेस्पॉन्ड भी जल्दी मिल जाता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता हमारा फीडबैक, तो फीडबैक एक अंतिम स्टेप है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो फीडबैक इज द रिटर्न मैसेज, इसको हम रिटर्न मैसेज भी कह सकते हैं, या हम रेस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर टू द सेंडर, हम ये भी कह सकते हैं कि रीडर जो रिसीवर है उसके जरिए से रेस्पॉन्स मिलना किसको सेंटर को। इट प्रोवाइड्स ए लिंक और चैनल फॉर द कम्युनिकेटर सेंटर टू नो द रिसीवर्स रेस्पॉन्स,
तो ये एक प्रकार की कोई लिंक भी हो सकता है, कोई एक माध्यम भी हो सकता है जिससे कि सेंटर को पता चल जाता है कि रिसीवर का रेस्पॉन्स क्या है, एंड टू डिटरमाइन वो निश्चित भी कर सकता है व्हेन द मैसेज हैज बीन रिसीव कि मैसेज उसको मिल चुका है या नहीं, एंड हैज प्रोड्यूस एंटरटेन क्या उसमें क्या चीज़ कहने कहने का होता है, वो अपने हिसाब से उसने क्या उसको समझा, हमें उस फीडबैक के जरिए चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को ईमेल करते हैं, ओके, तो ईमेल में आपका लिखा था योर मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली सेंट, तो ये जो मैसेज जब ये लिखा आता तो वी कैन इजीली कंफर्म कि हमारा मैसेज वहाँ पर पहुँच चुका है। या अगर आप व्हाट्सएप भी किसी को करते हो तो वहाँ पर जब वन टिक आता है तो एक टिक का मतलब होता है, पहले टिक का मतलब हो जाता है कि हमने मैसेज सेंड कर दिया, डबल टिक का मतलब होता है हमारा मैसेज पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो ब्लू हो जाता है तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि रिसीवर को मैसेज मिल चुका, उसने देख लिया है, कर लिया है। तो उसी तरीके से फीडबैक से भी सेंड को कंफर्म हो जाता है, पता चल जाता है कि उसका मैसेज रिसीवर तक पहुँच चुका है। तो फीडबैक में कम एंड बेनिफिट्स कई तरीके से हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन फीडबैक जो होता है वो फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए हमें मिलता है। फॉर द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है तो सेंडर मस्ट नो वेदर द रिसीवर हैज रिसीव्ड द मैसेज, तो सेंडर समझ जाता है कि रिसीवर को मैसेज रिसीव हो चुका है, अंडरस्टूड द मैसेज इन द मैनर, उसने उसी तरीके से मैसेज को रिसीव कर लिया है जिस तरीके से उसने सोचा। The response may be in words, और response हमें शब्दों के रूप में किसी रूप में response मिल सकता है, spoken की written, spoken words में मिल सकता है, written words में मिल सकता है, sign symbolic behavior में बता सकते हैं, इशारे से बता सकते हैं कि वो समझ चुका है। The response or written message called is feedback, और response या written message जो होता है वही हमारा feedback भी कहलाता है। And thank you very much, उम्मीद करती हूँ आपको शायद ये चीज़ पसंद आ गई हो।